एज अ प्ले राइट हसीब, मतलब आपको कितना, मतलब ये मुश्किल लगता है टू प्रेजेंट योर, मतलब कुछ भी आप अगर यू वांट टू प्रेजेंट, ठीक है, तो आपको वो कितना मुश्किल लगता है एक दूसरे वर्ड्स में उसको एक्सप्रेस करना? मतलब यू नो, एक ही आप कुछ मैसेज दे रहे हो एंड कुछ भी मैसेज दे रहे हो, एंड देन यू आर लाइक, ठीक है मैंने अब ये बोल दिया है, मैं दूसरे टाइम इसको एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, बट आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस इट इन डिफरेंट वे. तो वो प्रोसेस कैसा लगता है, जस्ट मतलब छोड़, मतलब ओवरऑल कैसा लगता है, एंड कई बार मतलब काफी क्या वो मुश्किल होता है क्या, इज इट लाइक रियली इजी टू स्लिप इन, कब मुश्किल होता है कब आसान होता है, कुछ मतलब उसके बारे में अगर आप बता सकते हो तो. तो ये सबसे बड़ा दिक्कत तो होता है, ठीक है, हाँ एज इन टू जज की ऑडियंस तुम्हारा कितना इंटेलिजेंट है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो अगर मैं किसी फिल्म में कुछ कहना चाह रहा हूँ और मैं किस ढंग से कहना चाहूँ, सिंपल सी बात है कि अगर मुझको तो दिखाना है कि मेरा कैरेक्टर गुस्सा में, तो मैं कह सकता हूँ कि वो चिल्ला रहा है, चीख रहा है, ठीक है, या तो वो एक सिर्फ ग्लास तोड़ दिया है, ठीक है। तो दो भी बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ, मतलब प्लेन भाषा में, कि वो आवाज से भी समझा सकता है कि वो गुस्सा में है, वो अपने एक्शन से भी समझा सकता है गुस्सा में, ठीक है। अब मेरे अंदर ये हो जाता है ख्याल कि अगर मेरा ऑडियंस ये नोटिस नहीं किया तो क्या ये आगे वाली कहानी कितनी समझ में आएगी उसको इस बात को, या फिर अगर मैं ऑडियंस इसको बार बार नोटिस करता रहा तो क्या ये रिपीटेटिव हो जाएगा, क्या इतना जरूरी है इसको करना। तो वो एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है मुझे हर बार की, ऑडियंस को समझ भी आए और थोड़ा उसको दिमाग भी लगाना पड़े, तो उनको थोड़ा बार बार वो एटलीस्ट मेरे प्लेन में अपना योगदान भी देते रहें, समझते रहें। इट्स नॉट लाइक कि मैं कुछ बातें कहूँगा कुछ बातें उनको ऐड करनी है, इट्स मोर लाइक कि मैं कुछ बातें इधर उधर बिखेर दूंगा और आपको सारी बातों को समझ करके कहानी समझनी है, समथिंग लाइक पजल। पर आपको कभी ऐसा लगता है कि मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ विच इज अ बिट डिफरेंट, मतलब चाहे कुछ थोड़ा डिफरेंट है और मैंने इसे ऐसे परसीव किया है, लेकिन क्या मेरी ऑडियंस उसको समझ पाएगी कि नहीं? वो फियर रहता होगा ना कहीं एकदम माइंड में, एकदम रहता है, एकदम कि रहता है। वो कुछ हम बातें जैसे, होती है कि सॉरी मैं आप. अपना कुछ कहता भी नहीं, कभी कभी ऑडियंस को ज्यादा समझ जाती है। इट्स लाइक कि कुछ पोएम्स होते हैं ना कि तुम पढ़ते हो, कवि ने नीले रंग को आसमान नहीं आसमान कुछ और सोचा है, तो आप अपना थॉट डालते रहते हो उसमें। तो वो तो एक बात है कि ऑडियंस कितना समझती है इसका डर हमेशा बना रहता है, और क्या गलत समझ रही है जो मैं कह रहा हूँ वो तो उससे बड़ा डर होता है। सबसे बड़ा डर वही हमें, मुझे और सिद्धेश को भी ये थोड़ा लगा रहता है कि हम कुछ बात बताएंगे तो वो कैसे परसीव होगी उसका, मतलब तो आई कुड ओनली इमेजिन कि एज इन समवन हु इज इन्वॉल्व्ड इन द क्रिएटिव इंडस्ट्री एज यू, उनको मतलब कितना अवेयर रहता होगा, बिकॉज यू आर डूइंग इट एट स्केल, काफी ज्यादा कर रहे हो, किसी काफी लेवल पे लिख रहे हो, और देन आप कुछ डेप्थ इन डेप्थ भी जा रहे हो सारी चीजों के, तो उस डेप्थ से उसको उसके अंदर जाके देन उसको बाहर निकल के आके उसको प्रेजेंट करना, आई कैन ओनली इमेजिन कि वो इट माइट बी अ बिट अ लिटिल चैलेंजिंग, जहां तक मुझे समझ आता है. तो मैं करता हूँ ना, मतलब अक्सर क्या होता है कि जब मैं प्ले लिख लेता हूँ तो मेरे कुछ 10-15 दोस्त होते हैं, तो एक एक करके मैं उनको बुला कर सुनाता हूँ और मैं वेट करता हूँ कि वो क्या समझ पाए क्या नहीं समझे हैं, ये चीज़ें वो स्किप कर गए हैं, ठीक है, तो मे बी फिर मैं री राइट में ठीक करूंगा उसको। तो मैं ऐसा टेस्टिंग करता रहता हूँ ताकि बेटर हो सके। राइट.